आज मैं बिल्कुल हरियाली मूड में हूँ, मतलब हरी शर्ट, हरे पत्ते, वेल पालक पनीर। अब पालक पनीर की तो इंटरनेट पे 1.5 करोड़ रेसिपीज, तो कौन सी देखें भैया? वो देखो जिसमें सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं, ऐसा सब लोग बोलते हैं ना। लेकिन व्यूज़ में थोड़ा ना पता चलता है कि टेस्ट किस में है। ये वाली रेसिपी जो है ना, हमने हलवाइयों से सीखी। जो शादियों में पालक पनीर बनता है ना, वो घर के पालक पनीर से अलग होता है। जानते हैं क्यों? नहीं जानते? चलिए आइए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पर वो वाली रेसिपी बनती है जो बहुत ही टेस्टी होती है। चलिए बनाते हैं पालक एवं पनीर। सबसे पहले पालक को अच्छे से साफ कर लीजिए, क्योंकि पालक में ना मिट्टी होती है कई बारी, तो अच्छे से खुले पानी में साफ करना बहुत ज़रूरी है। धो लिया जाए अलग अलग पत्तों को, उसकी स्टेम्स को काट लिया जाए, क्योंकि ज़्यादा जो मोटी स्टेम होती है ना, वो बहुत रेशा देती है, इसलिए हमें रेशेदार पालक नहीं चाहिए, हमें पालक की मेजरली पत्तियाँ चाहिए। अब इन पत्तियों को सीधा उबाल लिया जाए गर्मा गर्म उबलते पानी में। पालक को कम से कम 1 मिनट उबलते पानी में यहाँ पर उबाला जाएगा। और हलवाई स्टाइल फ्लेवर देने के लिए एक खास टिप, धनिया और साथ में हरी मिर्च, ये भी इसके साथ उबल जाएगी और फिर होगा मज़ेदार पेस्ट। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये गरम गरम पानी से ना एकदम चिल्ड पानी में आनी चाहिए, शॉक लगना चाहिए। ठंडे पानी से सीधा गया ये ग्राइंडर के जार में और बढ़िया से स्मूथ पेस्ट बनाना है इसका। हलवाइयों की दूसरी स्पेशलिटी होती है, वो पनीर को फ्राई करके डालते हैं। अब डीप फ्राई पनीर ना मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, क्योंकि वो बहुत मतलब किचकिचा सा हो जाता है, इसलिए पैन फ्राई करेंगे। पैन फ्राई करने से पहले थोड़ा सा इसे मैरिनेट कर देंगे, नमक, मिर्च, हल्दी, दैट्स इट, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं। अब इस पनीर को कर दिया जाएगा थोड़े से तेल में शैलो फ्राई। देखो ये पालक पनीर के अंदर ना पनीर को पकना है, तो अगर कच्चा पनीर डाल दोगे तो वो पूरा घुल जाएगा। फ्राई करोगे तो मुझे ना बड़ा कचकचापन लगता है, मतलब वो स्ट्रिंगीनेस हो जाती पनीर में। ये बेस्ट है, इसमें हल्की सी क्रिस्पी आ गई, अंदर से सॉफ्ट है। चलो जी, ये तैयार, अब लगेगा पालक पनीर का तड़का, यानी कि एक्चुअल पालक पनीर बनेगा। चलिए बनाते हैं। तेल, और घी, मतलब सिर्फ तेल में पालक पनीर नहीं बनेगा, तेल और घी का मिक्सचर। सिर्फ घी अगर डालेंगे तो जल सकता है। पालक की फाइन प्यूरे तैयार है और यहां पर तेल और घी का मिक्सचर गर्म हो गया। खड़ी लाल मिर्च बहुत अच्छा स्वाद देती है, इसके लिए मैं 1 को पकाऊंगा और 2 निकाल लूंगा गार्निश के लिए, क्योंकि गार्निश में भी ना बड़ी अच्छी लगती है लाल लाल फ्राइड मिर्ची। आहा हा हा।
अब डलेगा जी जीरा, बहुत इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, क्योंकि हर एक तड़के की शान, अगर भारत में जीरा ना हो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। 2 टीस्पून। एक्चुअली मसालों में सिर्फ यही 2 चीज़ है शुरुआत के मसालों में, और फिर डलेगा ढेर सारा लहसुन। देखो जी, बचपन में ना बहुत सारे दोस्त ऐसे बोलते थे कि आई एम बेस्ट फ्रेंड फॉर लाइफ। यहाँ पे भी वही सीन है, दाल का, अरहर की दाल का, पालक का बेस्ट फ्रेंड जीरे लहसुन का तड़का। मतलब कुछ मन ना कर रहा हो ना तो ये कर दो। गार्लिक बढ़िया से गोल्डन ब्राउन होने वाला है। अब इसमें जाएगा चॉप किया हुआ अदरक। अब आ गई जी मसालों की बारी। लाल मिर्च का पाउडर, चुटकी भर हल्दी, धनिया पाउडर 2 छोटे चम्मच, चुटकी भर सौंठ का पाउडर और सौंफ का पाउडर। अब पड़ेगा जी दही। दही अच्छे से भुन जाने के बाद अब इसमें डलेगा सब्जी मसाला या फिर किचन किंग मसाला, और साथ में कसूरी मेथी पाउडर। अब मसाला भुन चुका है, अब जाएगी इसमें पालक की ये बढ़िया हरी प्यूरी। आप देख रहे हैं कलर एकदम बढ़िया से हरा इसलिए है क्योंकि गर्मा गर्म उबलते पानी से निकाल के गया ये आइस वाटर में। इम्पॉर्टेंट टिप है, हजारों बार मिल चुकी है, एक और बार मुफ्त की एडवाइस तो हमेशा चलती है। अब इसे भैया अच्छे से भूनना है। नमक हमने अभी तक नहीं डाला है, नमक लास्ट में डालेंगे। मक्खन आएगा, क्रीम आएगा, बढ़िया से भुनेगा। तो पालक पनीर का जो लूशियस बिल्कुल बढ़िया सा मखमली टेक्सचर होता है वो आएगा। पालक को भूनना बहुत जरूरी है, मतलब जो भुना हुए पालक का टेस्ट है ना वो चाहिए हमें। अब बढ़िया से भुन चुकी है, अब इसमें डाली जाएगी क्रीम। साथ में जाएगा जी बटर, क्योंकि पालक पनीर है ना उसमें वो मखमलीपन आता है क्रीम और बटर से। अब इसे मिलाया जाएगा अच्छे से। इंटरेस्टिंग बात ये है कि हमने अभी तक इसमें नमक नहीं डाला था। नमक इसलिए नहीं डाला था क्योंकि नमक डालने से पालक काली पड़ सकती है। अब लास्ट में हल्का सा नमक और वो शादी वाली टेक्निक, हल्की सी चीनी 1 चुटकी, और ये हमारी मैडम की रेसिपी, 1 चुटकी सिनेमन पाउडर। एकदम शादियों एवं पार्टियों के लिए पालक पनीर तैयार है। देखा होगा ना आपने, हमारे यहाँ शादियों एवं पार्टियों का खास इंतजाम किया जाता है, ये वही है बिल्कुल। देखो भैया, पालक पनीर की
बहुत सारी रेसिपीज अवेलेबल है। कहीं पे प्याज टमाटर का तड़का लगता है, कहीं पे सिर्फ लहसुन का लगता है, कहीं पे जैन पालक पनीर बनता है, वहाँ पे टमाटर हींग का लगता है। अलग अलग रेसिपीज, अलग अलग बनाने के स्टाइल, लेकिन ये वाला है बिल्कुल शादी वाला स्टाइल। तो बनाओगे कि नहीं, कि मतलब घर बैठ के ही शादियों के बस तस्वीरें देखते रहोगे? अरे बनाओ यार, शादियों का मजा लो घर बैठ के, और क्या चाहिए।